जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ्स महागुरु की विनर अड्डा 247 क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों आज हम औसत चैप्टर को पढ़ेंगे। औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या, औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या। योग की अगर बात की जाए, योग बटे संख्या, माना पांच दोस्तों ने कुछ रुपए अलग अलग इकट्ठे किए। मान लीजिए फर्स्ट फ्रेंड ने 15, दूसरे ने 20, 25, 30, 20 रुपया इकट्ठा किया। अब यहां से एक दोस्त से कम कितना रुपया देना पड़ा, तो इसके लिए हमें औसत निकालना पड़ेगा। औसत इज इक्वल टू योग, योग बटे संख्या। औसत इज इक्वल टू योग 15, 20, 25, 30 एंड 20 एंड डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 5। ऐड कर देते हैं 0, 0, 5, 4, 5, 10, 0, 3, 6, 8, 10, 11, 110 डिवाइड बाय 5, 5 to 5 to 5 एंड आंसर। तो अगर पांच दोस्तों ने 15, 20, 25, 30 और 20 रुपया इकट्ठा किया, तो औसत की अगर बात की जाए तो 22 रुपया बनेगा। आर.एस.अग्रवाल। क्वेश्चन हमें यहां से औसत निकालना है। औसत हमने माना, औसत फर्स्ट मेथड की यदि बात की जाए, औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या। औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या इज इक्वल टू 76, 48, 84, 66, 70, 64 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6। एड कर लेते हैं 4, 10, 14, 22, 28, 8, 15, 21, 29, 29, 33, 40 डिवाइड बाई 6, 6 6 36, 6 4 6 8 60 की एक एवरेज हम यहां से मान लेते हैं। औसत माना, माना औसत 70 है। माना अगर 70 औसत माना, तो इसका मतलब अब हमें प्रत्येक वैल्यू को 17 बनाना है। अब 17 बनाने के लिए यहां पर 6 वैल्यू अधिक है 70 में, तो इसे 6 इसे दे दिया, यहां पर भी 70, यहां पर भी 70 हो गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 66 है, इसे और चाहिए 4, इससे दे दिया लेके, इसके पास भी 70 हो गए, इसके पास भी 70, इसके पास भी 70, इसके पास भी 70। यहां पर 80 है, 10 अधिक है, 10 इसे दे दिए, इसने इसे 10 दे दिए, तो इसके पास हो गए 58। लेकिन अभी भी इसके पास कमी है। कितने की कमी है? इसके पास कमी है 70 होने के लिए 12 की, 12 और चाहिए, 12 और चाहिए। देगा कौन? सभी देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिवाइड बाय 6। इसका मतलब प्रत्येक से 2-2 रुपया वापस लेना पड़ेगा। अगर 2 रुपया वापस लेना पड़ेगा, तो 2 रुपया लेस कर देते हैं, देन सही औसत 68 होगा। लिख लेते हैं 100 धन पूर्णांकों का औसत 1, 2, 3, 4,
डॉट 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 100 का औसत, का औसत बताना है, औसत बताना है 1 to 100 का औसत क्या होगा। तो दोस्तों कुछ भी नहीं करना, करना ये है आपको फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, फर्स्ट नंबर 1 लास्ट नंबर 100 और डिवाइड बाय 2 101 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15.5 एंड आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, 3 में दिए गिवन है प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का औसत, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या ऐसा नंबर जो अपने सिवा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटता, मीन्स औसत बताना है तो औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या, औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या। अब अभाज्य संख्या फर्स्ट नंबर 2, 3, 5, 7, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और डिवाइड बाय 9, पॉजिटिव साइन, देन सॉल्व, एड और डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू आंसर। ये आपको स्वयं करना है। प्रथम नंबर 2, 4, 6 डॉट 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 लास्ट नंबर प्रथम 10, 20 सॉल्व यदि की जाए, औसत इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर एड, 2 plus 20 by 2, 22 by 2 इज इक्वल टू 11 एंड आंसर। सो सेकंड सभी विषम संख्याओं का औसत। चलते हैं सॉल्यूशन पर, सॉल्यूशन की यदि बात की जाए, मीन्स फर्स्ट नंबर 1, 3, 5 डॉट 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 100 से कम विषम संख्या 99, मीन्स फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर औसत इज इक्वल टू योग और बाय 2 प्लस बाय 2 प्लस बाय 2 1 प्लस 99 बाय 2 100 बाय 2 इज इक्वल टू 50 एंड आंसर। सर 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, मीन्स 3 के गुणज 3, 1, 2, 3, 4 and 5 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 देन औसत इज इक्वल टू योग बटे संख्या, योग मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई औसत। फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर एड एंड बाय 2 1 plus 5 and by 2 3 2 3 and 3 3 9 answer, और 3 1 3 फर्स्ट नंबर 3, 6, 9, 12, 15 देन औसत, औसत इज इक्वल टू योग बटे
संख्या फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर एड बाय टू, 3 + 15 / 2 = 18 / 2 = 9 आंसर।